हेलो टीचर्स, आज मैं आपके सामने एक गूगल फॉर्म का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गूगल फॉर्म को एक्सेस कैसे करना है। उसके बाद उसके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आप अपने क्लास टेस्ट को गूगल फॉर्म के थ्रू कैसे कंडक्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद गूगल फॉर्म को शेयर कैसे करना है आपके स्टूडेंट के साथ वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद आप लोग अपने स्टूडेंट का आउटपुट दैट मींस उनका परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गूगल फॉर्म को एक्सेस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जीमेल अकाउंट दैट मींस गूगल अकाउंट आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद, जैसे कि मैंने अभी अपना गूगल अकाउंट जीमेल अकाउंट साइन इन करके रखा हुआ है, तो आपको भी अपना जीमेल अकाउंट साइन इन करना है। उसके बाद आप देखेंगे राइट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे गूगल ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा डॉटेड फॉर्मेट में, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ड्राइव ऑप्शन को क्लिक करना है। ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते ही आपके सामने माय ड्राइव ओपन होगा, उसको क्लिक करना है। माय ड्राइव को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाना है आपको। मोर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म्स को क्लिक करना है। गूगल फॉर्म्स को क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, एक रहेगा ब्लैंक फॉर्म, दूसरा रहेगा फॉर्म ए टेम्पलेट। तो जैसे कि आपको एक कस्टमाइज फॉर्म क्रिएट करना है तो आपको ब्लैंक फॉर्म को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करते हैं। ब्लैंक फॉर्म को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अनटाइटल्ड फॉर्म ओपन होगा कुछ इस फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्म के जो मेनूज और इसके कुछ ऑप्शंस है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टकट में। तो ये जो अनटाइटल्ड फॉर्म है ये फॉर्म का आइडेंटिफिकेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ रिस्पॉन्सेस आएगा, यहाँ पे आप एक थीम वाला ऑप्शन भी देखेंगे जो कि आप अपने फॉर्म का थीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कर देता हूँ ऑरेंज। तो देखिए जैसे ही मैंने ऑरेंज पे क्लिक कर दिया तो इसका जो बैकग्राउंड है वो एक ऑरेंज थीम में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे एक प्रीव्यू वाला बटन है, जैसे कि आप अपने फॉर्म को जब क्रिएट करेंगे तो आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म का प्रीव्यू कैसे रहेगा। तो आप इस प्रीव्यू बटन को क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। और बाजू में आपको एक सेटिंग वाला एक ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपके फॉर्म में जो आपको सेटिंग करना है, इंटरनल कुछ सेटिंग करना है, इसके बारे में मैं अभी जब फॉर्म क्रिएट करूँगा तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में अभी समझाऊँगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्म का फ्रंट पेज रेडी कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म है, तो ये फॉर्म को हमको एक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम ये फॉर्म एक क्लास टेस्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग इसका नाम इसको दे देते हैं क्लास टेस्ट, यहाँ सब्जेक्ट भी डाल देते हैं। इसके बाजू में आपको एक फोल्डर ऑप्शन नज़र आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आपके ड्राइव में ही जाके सेव होगा, लेकिन आप इसको किसी पर्टिकुलर फोल्डर में अगर मूव करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन के थ्रू उसको मूव भी कर सकते हो। और अगर इसको इम्पोर्टेंट बना के रखना है तो आप ये स्टार मार्किंग को भी क्लिक करके इसको इम्पोर्टेंट बना के रख सकते हो क्विक एक्सेस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन अभी फ़िलहाल हम लोग छोड़ देते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने क्लास टेस्ट हाइफन कंप्यूटर टाइप किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्म के टाइटल में वो टाइप ऑटोमेटिकली टाइप हो गया है। तो जैसे कि हमको अपने फॉर्म को और भी ज़्यादा सिस्टमेटिकली बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग अभी अपने स्कूल का नाम एंटर करेंगे। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, और अभी फॉर्म का डिस्क्रिप्शन हमको देना है। तो यहाँ पे हम लोग एज़ पर कंडीशन इसका डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, क्लास टेस्ट फॉर
एंटर फिफ्थ। ओके, फिर एंटर करके हम यहाँ पे डेट भी डालेंगे, जिस डेट में हमको ये क्लास टेस्ट कंडक्ट करना है, जिसकी 26/5/2020। आप चाहो तो यहाँ पे ये जो क्लास टेस्ट आप करवाने वाले हो ये कितने मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे आप मार्क्स भी एंटर कर सकते हो। जैसे कि अभी ये एक डेमो फॉर्म है तो इसको मैं मात्र ओनली 5 मार्क का ही बनाऊंगा, ठीक है। और हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी एंटर कर सकते हैं, सब्जेक्ट रहेगा हमारा कंप्यूटर। तो हमने इसका जो बेसिक हेडिंग है वो हमने यहाँ इसको दे दिया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, जो भी स्टूडेंट आपकी इस क्लास टेस्ट को अटेंड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट ने आपकी ये क्लास टेस्ट को अटेंड किया है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे, एंटर योर फुल नेम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ एंटर कर दिया एंटर योर फुल नेम, यहाँ पे मैं कंडीशन रखूँगा शॉर्ट आंसर की कंडीशन रखूँगा, क्योंकि नेम पैराग्राफ में नहीं होगा या फिर मल्टीपल चॉइस में नहीं होगा या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं होगा, तो इसको सिंपली हम शॉर्ट आंसर में ही सेट रखेंगे। और यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा और ये फील्ड को हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड में कन्वर्ट करेंगे। अभी मुझे अपने स्टूडेंट से और डिटेल चाहिए, जैसे कि क्लास और डिवीज़न। तो मैं क्या करूँगा, इसी फॉर्मेट को डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं डालूँगा क्लास डिवीज़न, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपना क्लास और डिवीज़न एंटर करेंगे। और मुझे और एक चीज़, जैसे कि मैंने इसको डुप्लीकेट क्रिएट किया हुआ है तो इसकी जो कंडीशन है यानी फर्स्ट स्टेप की जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ अप्लाई हो गया है और ये ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड फील्ड पे चले गया है। और मुझे और एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी स्टूडेंट से, जो कि रहेगी मोबाइल नंबर, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स मिले तो मैं उनके पेरेंट्स से डायरेक्टली उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर सकूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर कर दिया है। तो मोबाइल नंबर एंटर करते ही इसको भी मैं शॉर्ट आंसर पे ही सेट रखूँगा। और मुझे यहाँ पे एक कंडीशन डालना है, जैसे कि अभी मुझे ये कंडीशन डालना है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट 10 पे रखा हुआ है। अगर ये 10 से ज़्यादा मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट 10, अगर कोई स्टूडेंट 11 नंबर का एंटर मोबाइल नंबर एंटर करेगा तो उसको मैं जो यहाँ पे एक मैसेज टाइप करूँगा वो उनके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, एंटर योर करेक्ट 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्लास टेस्ट का जो पेपर है उसका फ्रंट पेज रेडी कर लिया है। तो अभी हमको इसको चेक करना है, तो चेक कहाँ से करेंगे, हम लोग प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके। तो चलो हम लोग एक बार प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रंट पेज है वो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हुआ है या नहीं। तो देखिए, जैसे कि हमने इंफॉर्मेशन फीड किया था अकॉर्डिंगली, उसी तरीके से सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको डिस्प्ले हो रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे एंटर योर फुल नेम के बाद रेड मार्क में स्टार मार्किंग आया हुआ है, इसका मतलब ये कंपलसरी फील्ड है। दैट मीन्स इसको जब तक स्टूडेंट एंटर नहीं करेंगे तब तक ये नेक्स्ट सबमिट करके नेक्स्ट पेज पे गो ऑन नहीं हो सकते,
तो इसको हमने कंपलसरी फील्ड रखा हुआ है, रिक्वायर्ड फील्ड रखा हुआ है। तो हमारा सेक्शन वन क्रिएट हो चुका है, तो अभी मुझे अभी इसमें अपने क्वेश्चन ऐड करना है। तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए मुझे और एक सेक्शन ऐड करना होगा यहाँ पे। तो जो राइट साइड में आपको ये मेनू दिख रहा है, यहाँ पे एक लास्ट में ऐड सेक्शन करके एक ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक करके मुझे सेक्शन टू ऐड कर लेना है। सेक्शन टू ऐड करते ही यहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन आएगा, तो यहाँ चाहे तो आप यहाँ पे इसको नेम भी दे सकते हैं, कंप्यूटर टेस्ट, या फिर आप यहाँ पे अपने चैप्टर का नाम भी दे सकते हो जिस चैप्टर पे आप क्लास टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल कंप्यूटर टेस्ट कर दिया है, और मुझे अभी यहाँ से अपने क्वेश्चन ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐड क्वेश्चन वाला ऑप्शन है, प्लस वाला जो साइन है वो ऐड क्वेश्चन वाला साइन है। तो इस पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मुझे क्वेश्चन ऐड करने के लिए एक ऑप्शन इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे और उसके ऑप्शंस ऐड करते हुए जाना है। आप इसको डायरेक्टली, अगर आपको क्वेश्चंस याद है या फिर आपको पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, या फिर आप अपना टाइम बचाने के लिए उसको पहले से ही कोई भी वर्ड फाइल में या फिर टेक्स्ट वर्डपैड में पहले से ही टाइप करके उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपने वर्ड फाइल में ऑलरेडी क्वेश्चंस टाइप करके रखे हुए हैं, उसको जस्ट मुझे यहाँ से कॉपी करके अपने गूगल फॉर्म पे पेस्ट करना है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अभी इसका ALU स्टैंड फॉर, अभी मुझे इसके ऑप्शंस ऐड करना है, तो ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा मैं, उसके बाद इसके ऑप्शंस को ऐड करते हुए जाऊँगा। तो देखिए मेरे चारों ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है और इसके जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, तो जैसे ही स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर ले तो उनको क्विक रिस्पांस मिलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे अपने इस फॉर्म में कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या लगाना है कि इसके आंसर, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो उनको पता रहना चाहिए, पता होना चाहिए आफ्टर सबमिशन, और उनको कितने मार्क्स मिले वो भी उनको पता रहना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली सेटिंग पे जाना है, इसको क्वीज पे क्लिक करना है और मेक ए क्वीज ये बटन को ऑन कर देना है और इसको सेव कर देना है। इसको जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आंसर की वाला एक बटन ऐड हो चुका है। देखिए आप, यहाँ पे एक आंसर की वाला एक बटन ऐड हो चुका है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको मुझे टिक करके छोड़ देना है, वो पार्टिसिपेंट साइड पे डिस्प्ले नहीं होगा, वो सिर्फ करेक्शन के लिए यूज होगा। तो जैसे कि ALU स्टैंड फॉर, इसका करेक्ट आंसर है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर टू। तो मुझे आंसर पे की पे क्लिक करना है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे इसके पॉइंट्स दे देने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने 1 मार्क्स का रखा हुआ है, तो इसके यहाँ पे 1 करके मुझे इसको डन कर देना है। तो यहाँ पे, और इसको मुझे रिक्वायर्ड कर देना है, रिक्वायर्ड फील्ड ऑन कर देना है। अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ये सेक्शन 2 के अंडर ही ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करूँगा।
जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा क्वेश्चन नंबर टू भी ऐड हो चुका है यहाँ पे, लेकिन मैंने जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर वन को डुप्लीकेट क्रिएट किया था, तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो रियल आंसर है वो है चार्ज बबेज, तो ये नंबर थ्री पे है और मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट है, डेनिस रिची, मैंने ऑप्शन नंबर टू, तो इसको मुझे करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली आंसर की पे क्लिक करना है और जो ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है उसको अनटिक करना है और करेक्ट आंसर को मुझे टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे राइट मार्क आ गया और इसको डन कर देना है। तो इसी तरीके से ये रिक्वायर्ड फील्ड भी हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे टिक हो चुका है करेक्शन के लिए। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस मैं फॉलो करूँगा, यहाँ पे डुप्लीकेट पे मैं क्लिक करूँगा। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद मैं अपना थर्ड क्वेश्चन ऐड करूँगा यहाँ पे। क्वेश्चन ऐड करने के बाद मैं इसके ऑप्शन भी ऐड करते हुए जाऊंगा। तो चलो मेरा क्वेश्चन नंबर थ्री भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे भी मुझे अभी मेरा जो आंसर वाला जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो मुझे चेंज करना है, क्योंकि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ऑप्शन नंबर टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री पे टिक है, तो ये टिक मुझे निकाल के इसको अनटिक करना है और जो करेक्ट आंसर है उसको टिक कर देना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को और डन कर देना है और ये रिक्वायर्ड फील्ड पे सेट कर देना है। अभी मेरे क्वेश्चन थ्री ऐड हो चुके हैं, थ्री क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं, और मुझे क्वेश्चन नंबर फोर ऐड करना है। तो डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा मैं फिर से और मेरा जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसको मुझे ऐड करना है यहाँ पे। क्वेश्चन हो गया, उसके बाद इसके ऑप्शन भी ऐड कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर फोर भी ऐड हो चुका है। तो जैसे कि आप देखेंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सी यू, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट ये फोर्थ नंबर पे है, लेकिन इसका जो सही आंसर के रूप में जो टिक है वो है ऑप्शन नंबर टू। तो मुझे ये चेंज करना है, तो सिंपली मैं फिर से आंसर की पे क्लिक करूँगा, ऑप्शन नंबर टू को अनटिक कर दूंगा और कंट्रोल यूनिट जो ऑप्शन नंबर फोर है उसको टिक कर दूंगा, पॉइंट एज इट इज़ वन नहीं रहेगा और इसको डन कर दूंगा मैं और ये रिक्वायर्ड फील्ड पे ही सेट रहेगा। ठीक है, अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वन टू थ्री फोर क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है। तो फिर से मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद फिर से वर्ड फाइल पे जाके मैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसको क्वेश्चन को मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे।
मुझे यहाँ पे इसके ऑप्शन सेट कर लेने हैं। चलो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐड हो चुका है यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो आंसर की है वो रॉन्ग सिलेक्ट है, ठीक है, हार्ड डिस्क पे सिलेक्ट है, लेकिन उसका जो आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसको मुझे चेंज कर लेना है। अभी आंसर की पे क्लिक करके हार्ड डिस्क को मैं अनटिक कर दूंगा और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सिलेक्ट करके डन कर दूंगा और इसको रिक्वायर्ड फील्ड पे ही रखूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरा सेक्शन नंबर 1 और जिसमें फ्रंट पेज है, जिसमें सारी डिटेल है, और उसके बाद सेक्शन नंबर 2 पे क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको प्रीव्यू में जाके चेक करेंगे कि ये दिखेगा कैसा, और इसको एक बार हम लोग यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो हमने फर्स्ट सेक्शन के लिए जो ऑप्शंस रेडी किए थे वो आपको आपके स्क्रीन में डिस्प्ले होंगे, जैसे कि स्कूल नेम और बाकी सारी डिटेल, और यहाँ पे आएगा एंटर योर फुल नेम, दैट मीन्स ये स्टूडेंट एंटर करेंगे अपने साइड से। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक फॉर्म सबमिट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे लाइव, तो एंटर योर फुल नेम वी नायक क्लास डिवीज़न, तो यहाँ पे मैं डालूँगा 5th B, मोबाइल नंबर देखिए अभी 9899, अभी जैसे कि मैंने 11 digit यानी रॉन्ग मोबाइल नंबर एंटर किया है, इसलिए उसने एंटर योर करेक्ट 10 digit मोबाइल नंबर ऐसा एरर दिया है। तो चलो मैं इसको 10 digit कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी जैसे कि मैंने सारे जो फील्ड हैं वो रिक्वायर्ड रखे हुए हैं, अगर कोई स्टूडेंट अपना नाम नहीं लिखेगा तो वहाँ पे भी उसको एरर आएगा, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको एनी हाउ उसका नाम यहाँ पे एंटर करना ही पड़ेगा, यानी बिना नाम बिना इंफॉर्मेशन फिल किए वो नेक्स्ट पेज पर नहीं जा सकता। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए मैंने जो 5 क्वेश्चन ऐड किए थे वो आपको सिंगल स्क्रीन पे नजर आएंगे, क्योंकि हमने ये सिंगल सेक्शन पे सेट किए हैं सारे क्वेश्चंस। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सेक्शन ऐड करके अगर आपके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो आप 5-5 क्वेश्चन का एक सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो सेम प्रोसेस से, ठीक है। तो चलो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। ALU स्टैंड फॉर, इसका सही आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर, इसका है चार्ल्स बैबेज, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CU, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट, लेकिन एक टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको मैं रॉन्ग कर लेता हूँ, इसको मैं कंप्यूटर यूनिट कर देता हूँ। इसका सही आंसर कंट्रोल यूनिट है, लेकिन मैं इसको कंप्यूटर यूनिट कर देता हूँ एज अ टेस्टिंग पर्पस के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही स्टूडेंट अपने साइड से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उनको रिस्पांस मिलेगा, और वो अपना जो ऑटो रिस्पांस रहेगा वो, ठीक है, तो वो अपना स्कोर खुद ही अपने स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, ये व्यू स्कोर पे क्लिक करके वो अपना स्कोर चेक कर सकते हैं।
व्यू स्कोर पे क्लिक करते ही उनको सिंगल स्क्रीन पे सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, तो ये क्वेश्चन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये चौथा हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए रॉन्ग किया था, तो देखिए यहाँ पे रॉन्ग होके आया है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कंसिडर एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसका हमने सही आंसर दिया है इसलिए यहाँ पे राइट मार्क आया है। तो ये तो हो गया अभी रिस्पॉन्स स्टूडेंट साइड से, लेकिन अभी टीचर इसको कैसे चेक करेंगे अपने साइड से, तो वो अभी हम लोग चेक करेंगे, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली अपने गूगल फॉर्म पे जाना है, अपने गूगल फॉर्म को ओपन करना है और वो गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्सेज वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देखिए अभी जैसे कि हमने ये जो फॉर्म है एक डेमो फॉर्म बनाया था और उसको हमने अभी सबमिट किया है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो आया है 1 रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, जितने पार्टिसिपेंट आपके आपके टेस्ट को अटेंड करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपके आपने कौन से क्वेश्चंस दिए थे, उसका भी यहाँ पे पूरा आएगा डिटेल, ये पूरा क्वेश्चन विद सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर आपको किसी इंडिविजुअली अगर स्टूडेंट का चेक करना है रिस्पॉन्स, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए जैसा रिस्पॉन्डेंट एक ही है, जैसे कि अभी हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सिर्फ मैंने ही अभी वो फॉर्म सबमिट किया है, तो यहाँ पे 1 नंबर ही आया हुआ है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से नेक्स्ट करते करते उसको चेक करते जाना है, ठीक है। और इसमें और एक ऑप्शन है, अगर आपको ये जो रिस्पॉन्स है एक कंसोलिडेट फॉर्मेट में, एक शीट फॉर्मेट में, एक एक्सेल फॉर्मेट में अगर आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्प्रेडशीट का एक ऑप्शन आएगा, ग्रीन वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करते ही सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, या फिर आपने ऑलरेडी कोई स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है और उसमें आपको सारे रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आप ये सेकेंड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग न्यू स्प्रेडशीट के थ्रू ही रिस्पॉन्स चेक करेंगे इस क्लास टेस्ट का, तो मैं इसको सिलेक्ट ही रहने दूंगा और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा। क्रिएट करते ही आपके सामने एक स्प्रेडशीट क्रिएट होगी और डिस्प्ले होगी, जिसमें आपको आपके जो रिस्पॉन्डेंट है उनका पूरा कंसोलिडेट फॉर्मेट में पूरा रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो देखिए अभी ये स्प्रेडशीट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे इस टाइप से आपको इसका रिस्पॉन्स आप चेक कर सकते हो कंसोलिडेट फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हो गया आप कैसे चेक करेंगे आउटपुट। अभी आपको इसको शेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी गूगल फॉर्म पे जाना है आपको, गूगल फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे सेंड ऑप्शन आएगा, सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड फॉर्म ऑटोमेटिकली कलेक्ट रिस्पॉन्स, आप इसको वाया मेल भी कर सकते हो या फिर आप इसका जो URL है या दैट मीन्स लिंक, ये लिंक होता है, ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है, कॉपी इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट और करना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी कैरेक्टर ऐड नहीं होना चाहिए या फिर रिमूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका फॉर्म का ओरिजिनल लिंक होगा। अगर इसमें अगर कुछ ऐड या डिलीट होता है तो आपका फॉर्म जो है काम नहीं करेगा। तो इसको जस्ट क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल करना है और इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आप डायरेक्टली इसको मेल के थ्रू भी भेज सकते हो या फिर आप इसको व्हाट्सएप या फिर जूम एप्लीकेशन के चैट बॉक्स के थ्रू वो भी वैसे भी भेज सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इसको कंपोज, अगर आपको इसको जूम एप्लीकेशन के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है आपके स्टूडेंट को,
तो इसको आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपके ही खुद के ईमेल आईडी से इसको सेल्फ मेल कर देना है आपको। जैसे कि अभी ये मेरा मेल है, मेरा मेल ओपन है, मेरा ईमेल आईडी ओपन है, तो मैं इसमें अपना ही ईमेल आईडी एंटर करके ये जो लिंक है इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको मैं अपने आप को सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद अपने मोबाइल से मैं अपना ईमेल आईडी एक्सेस करूँगा, और ईमेल आईडी एक्सेस करने के बाद अपने मोबाइल से ईमेल, फिर से सुन लीजिए एक बार, ये मेल करने के बाद ये ईमेल आईडी मैं अपने मोबाइल से एक्सेस करूँगा। एक्सेस करने के बाद ये लिंक मेरे ईमेल आईडी पे आ जाएगा। इसको सिंपली मैं कॉपी कर लूँगा वहाँ से, इसको सिलेक्ट करके मैं कॉपी कर लूँगा, और इसको मैं अपने जूम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू अपने पार्टिसिपेंट के साथ इसको शेयर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है एक क्लास टेस्ट क्रिएट करने का। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो गूगल फॉर्म के बारे में अभी आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आप अपने क्लास में क्लास टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।